वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को। इसी को हम रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को समझा था, जिसके लिए हमने डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स यूज किए थे, कौन से रॉ मटेरियल सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जो लिंक है उस वीडियो का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। आज जो हम समझने वाले हैं इसको हम कहते हैं सेटिंग एंड हार्डनिंग एंड रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट। बेसिकली जो सीमेंट हमारा फॉर्म होता है, उस सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के इनिशियल स्टेज में हमें मिलता है सीमेंट इन फॉर्म ऑफ क्लिंकर। जो क्लिंकर फॉर्मेशन होती है वो क्लिंकर सॉलिड पैलेट्स की फॉर्म में होता है, जिसको हम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम इस सीमेंट क्लिंकर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट यूज करने की कोशिश करते हैं, तो एक वाटर के साथ मिक्स होते ही ये इंटरलॉकिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है, जो कि रीइंफोर्स्ड होता है एक रिजिड जेल की प्रेजेंस में। यानी एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमारे सीमेंट को बहुत जल्दी सॉलिडिफाई करता है। तो इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरलॉकिंग क्रिस्टल विच इज रीइंफोर्स्ड बाय रिजिड जेल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। यानी जैसे ही हम अपने सीमेंट क्लिंकर के साथ में वॉटर का एडिशन करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलती है उसमें जो मिलने वाला सीमेंट है वो एक पेस्ट फॉर्म में ना होकर वो बहुत ही जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, और इसी अर्ली सॉलिडिफाई होने को हम सेटिंग हार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये जो बनने वाला कंपाउंड होता है इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बिकॉज ये जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे ये तुरंत एक सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा, तब तक हम किसी दूसरे पार्ट ब्रिक या स्टोन को अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। अब ये जो सेटिंग एंड हार्डनिंग होती है, इस सेटिंग एंड हार्डनिंग को हम इन जनरल इनिशियल सेट या फ्लैश सेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही हमने अपने सीमेंट के अंदर पानी मिलाया, तो पानी मिलाते ही बहुत ही कम टाइम पीरियड में ये कन्वर्ट हो जाता है रिजिड स्ट्रक्चर में। दैट रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज नोन एज इनिशियल सेट और फ्लैश सेट। तो ये हमसे अलग से दो नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। बेसिकली ये जो सीमेंट की अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग होती है, इसके लिए सीमेंट का ही कॉम्पोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम थोड़ा सा पुरानी वीडियो को रिकॉल करें, तो जो सीमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कुछ कंपोनेंट्स यूज करते हैं, कैल्केरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल, जो आफ्टर रिएक्शन कन्वर्ट होते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट में, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट की फॉर्म में, जिनका जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिखा है। लेकिन इन सब में से जो रिस्पॉन्सिबल कॉम्पोनेंट है अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग के लिए, दैट इज C3A विच इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इन जनरल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि द कॉम्पोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट, तो इन चारों में से केवल एक कॉम्पोनेंट जिसको हम कहते हैं C3A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, और ये हमारे पूरे सीमेंट का कॉम्पोजिशन है। तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं, फॉर अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट C3A इज रिस्पॉन्सिबल, जिसका नाम होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके से। अगर हमारे पास थ्री मॉलिक्यूल्स हैं CaO.Al2O3 यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के, तो जैसे ही इस ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में वाटर मॉलिक्यूल मिक्स किया जाता है, वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है, तो ये एक हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होते ही तुरंत क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है, और ये बनने वाले क्रिस्टल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट के लिए। इन क्रिस्टल फॉर्मेशंस के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू रिटार्ड दिस इनिशियल सेट और फ्लैश सेट, यानी इस इनिशियल सेट और फ्लैश सेट के टाइमिंग को हम कैसे इंक्रीज करें जिससे हमारा जो सीमेंट है वो कहीं पर भी एप्लीकेबल हो पाए और किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम इसको यूज कर पाए। तो आंसर इज बाय एडिशन ऑफ जिप्सम। जिप्सम को केमिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम सल्फेट विच इज हाइड्रेटेड फॉर्म, दैट इज CaSO4.2H2O। जो एडिशन ऑफ जिप्सम है इसको हम ड्यूरिंग पल्वराइजेशन ऑफ सीमेंट, यानी जब हम उसको ग्राइंड करते हैं तब हम जिप्सम को ऐड करते हैं। तो बाय एडिशन ऑफ जिप्सम
और जो जिप्सम का एडिशन है ये हम इन जनरल 2 से 3% जिप्सम ऐड करते हैं ड्यूरिंग पल्वराइजेशन ऑफ सीमेंट। होने वाली रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के जो हमने इनिशियली भी लिए थे, इसके साथ वाटर का एडिशन है तो हम यहाँ नंबर की जगह एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले रहे हैं एंड वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ जिप्सम जिसकी प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है उसकी जगह हमारा कंपाउंड चेंज हो गया, बनने वाला कंपाउंड हुआ 3CaO.Al2O3 विद एडिशन ऑफ वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और दोनों तरफ के वाटर मॉलिक्यूल्स को हम एक नई टर्म जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये जो बनने वाला कंपाउंड है इन प्रेजेंस ऑफ जिप्सम जब वाटर का एडिशन हुआ तो दिस कंपाउंड इज नोन एज ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ये बनने वाला कंपाउंड का अर्ली जो सेटिंग हार्डनिंग का टाइम है वो प्रीवियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से काफी बढ़ जाता है। ये जो हमारा पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना था इसमें जिप्सम मिसिंग था लेकिन यहाँ पे हमारा जिप्सम मॉलिक्यूल का एडिशन इसमें हुआ है, और इसमें जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है यानी अगर हम बात करें एक्स की तो अगर हम बात करें वाई की तो वाई की वैल्यू वेरी करती है 1 to 3 के बीच में, और जो जेड की वैल्यू है दैट वेरीज फ्रॉम 10 to 33। इस तरीके से हम सीमेंट के अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग के टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो रोल ऑफ जिप्सम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीमेंट। जब तक जिप्सम प्रेजेंट नहीं होगा तब तक हमारा सीमेंट जो है वो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। एक बार इसको समअप कर देते हैं, हमने ये समझा इनिशियली कि जो सीमेंट की सेटिंग और हार्डनिंग है वो जैसे ही हम सीमेंट क्लिंकर के अंदर पानी ऐड करते हैं तो ये इसको सॉलिडिफाई कर देता है हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से, और ये सॉलिड होने की वजह से कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस ड्यूरेशन को हम इनिशियल सेट और फ्लैश सेट के नाम से जानते हैं। जो सीमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं उन सभी से जो कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड्स होता है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट की फॉर्म में होता है, लेकिन इन सब में से C3A इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। इस ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन जैसे ही वाटर से होती है तो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है जो कि सॉलिडिफाई हो जाता है। इसको रिटार्ड करने के लिए हम यूज करते हैं जिप्सम को, जिसका 2 से 3% अमाउंट हम ऐड करते हैं अपने सीमेंट के अंदर जब हम सीमेंट क्लिंकर की ग्राइंडिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं या पल्वराइजेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो बनने वाला प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का सेटिंग हार्डनिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो इट इज द मेन पार्ट ऑफ सीमेंट। बिना जिप्सम अप्लाई किए हुए हम सीमेंट को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जो वीडियो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।